आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन हे इस्राएलियों यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसको मैं मिस्र देश से ले आया पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा क्या चिड़िया फंदा बिना लगाए फंसेगी क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा सिंह गर्जा कौन न डरेगा परमेश्वर यहोवा बोला कौन न भविष्यवाणी करेगा अश्तोत के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो कि सामरियों के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं और यहोवा की यह वाणी है कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सिधाई का काम करना जानते ही नहीं इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे यहोवा यो कहता है कि जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे व कान का एक टुकड़ा छुड़ाए वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछोने के एक कोने व रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं छुड़ाए जाएंगे सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि देखो और याकूब के घराने से यह बात चिता कर कहो कि जिस समय मैं इस्राएल को उसके अपराधों का दंड दूंगा उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सिंह टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे और मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन भी नाश होंगे और बड़े बड़े घर नाश हो जाएंगे यहोवा की यही वाणी है।